जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं आप लोगों का दोस्त एक्सेलर फेर्डौस मंडल, आप लोग हाजिर हो प्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से जिस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे, मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। मालूम पड़ गया ना कौन सा क्वेश्चन है? सबसे ज़्यादा एक दिन में 200 से ज़्यादा जिसका कमेंट आता है वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी कब आएगा सर। एक ही चीज़ के लिए आप बहुत बहुत बार मुझे फ़ोन करते हो, पूरा इंडिया से फ़ोन आता है, पूरा हमारा इंडिया से फ़ोन आता है दोस्तों, और एक ही क्वेश्चन करते हो आप लोगों को आंसर मिलता है। पर आज मैं सोचा यूट्यूब के ऊपर उसका आंसर देना चाहिए और इससे आप मेरे पास फ़ोन ना करें, इससे बेहतर है यूट्यूब को ऊपर आंसर दे, सबको सेम आंसर मिले, ठीक है दोस्तों। तो उसके पहले एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो हमारा नया मेहमान है, नया फ्रेंड है, उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल वाला घंटी है उसको बजा दो। दोस्तों, अभी आप लोगों का एसएससी कांस्टेबल जीडी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि एसएससी में आप लोगों को मालूम है दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी पूरा एसएससी खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिधर सीबीआई डिमांड है और वो भी जेनुइन है, ठीक है। तब भी आपका एक अच्छा खुश मतलब डेट है आपके पास दोस्तों। जो बंदा हर दिन बोलते हैं अभी एसएससी सर कब आएगा, उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है, आप क्या तैयार कर लिया? तो कर लिया तो आपके फॉर्म शायद आने वाला है। मेरा दो न्यूज़ है, मैं दो न्यूज़ के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैं हर बंदा को फ़ोन करते करते मैं थक गया हूँ जो है, इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों एसएससी जीडी के लिए मेरे पास दो न्यूज़ है। पहली बात है, ये दो न्यूज़ मेरा आप लोगों से मिला है, जो सब्सक्राइबर फ्रेंड है उससे मिला है, और ये दो न्यूज़ मुझे लगता है पक्का हो सकते हैं, पर दो न्यूज़ है, याद रखो दो न्यूज़ है, इसको आप गलत मत समझो, जो न्यूज़ है वो जेन्युइन न्यूज़ दे रहा हूँ, पर ये थोड़ा सेम आया है। कौन सा? पहली बात है, फिलहाल आप लोग शायद सबसे नज़दीक जो डेट है वो है ये है मार्च अप्रैल महीना 12 तारीख के अंदर एक डेट हो सकता है, ठीक है। एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए एक ओपनिंग डेट फॉर्म डालने का, फॉर्म स्टार्ट होने का ओपनिंग डेट हो सकते हैं अप्रैल महीना 12 तारीख के अंदर, ये डेट मिला है आप लोगों से, जो पूरा इंडिया से मुझे फ़ोन करते हो वो लोग ही बोला है सर अप्रैल महीना 12 तारीख को शायद आ सकता है, तो इसलिए हम भी बोल रहे हैं अप्रैल महीना 12 तारीख, ये आप लोगों का न्यूज़ है, आप लोग मुझे कहा है, ठीक है। दूसरा जो न्यूज़ है वो मुझे एक मेरा जो खबर देता है वो वाला एक स्टूडेंट ने बोला, वो जेनुइन खबर देता है, हर टाइम जेनुइन हुआ है, वो है अगस्त महीना में, अगस्त महीना मिडिल टाइम आप लोगों को फॉर्म आ जाएगा। ये दो न्यूज़ के अंदर पक्का आपको एक सही होगा, और जब भी आए ये वाला जो कंप्लीट आपको करना चाहिए तो आपको पक्का उम्मीद कर लेना चाहिए, इसके अंदर तो आपका जज्बा है, ये हम लोग ये मुझे पता है, जज्बा तो आप लोगों के पास बहुत है, पर इसके साथ साथ आपका रिटेन के लिए बहुत अच्छा करके तैयारी करो, बहुत जान लगा के तैयारी करो, क्योंकि इस बार आपको जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें जो नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए वो नंबर पक्का आपको ले आना पड़ेगा, तब मेरा इतना दिन का जो ये है वो सफल होगा उम्मीद। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत बहुत आप अच्छा करके पढ़ाई शुरू करो और डिले मत करो, डिले एकदम मत करो दोस्तों, अप्रैल महीना 12 तारीख को आ जाएगा तो, और टाइम एकदम नहीं है इसके लिए, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 3 साल के बाद फॉर्म आ रहे तो उसमें पास भी होना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि एक सर्विस आपको लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो डेट मिला है वो अगस्त महीना में होगा तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, पर यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको लेगा जितना भी आपको वैकेंसी है उससे 100 गुना 200 गुना से ज़्यादा आपको फॉर्म फिलअप होगा, और उससे आपको वो वाला सर्विस लेना है, आपको फोर्स का सर्विस लेना है, इसलिए आपको
पक्का बहुत दिन से जो उम्मीद लेके आप लोग बैठे हो, ये ड्रीम को आपको पूरा करने के लिए पूरा जोश से आगे बढ़ना है, उसको ही सर्विस मिलेगा, उसको ही सर्विस मिलेगा जो प्लानिंग करेगा, जो टाइम कैलकुलेशन करेगा, जो टाइम मैनेजमेंट करके कितना आंसर ले आ सकते हैं उसको पता होगा, उसका ही सर्विस मिलेगा। दोस्तों आपको मालूम है, जैसे आपको एमपी में हो, बिहार में हो और हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, खास करके हरियाणा दिल्ली इधर नंबर इतना ज़्यादा कट ऑफ आता है, इतना ज़्यादा आता है, एक दिन आप लोग घर में बैठ जाओगे तो वो नंबर आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए दोस्तों जो हिंदी भाषी है उसके लिए खास करके सबसे ज़्यादा जो बढ़िया है हरियाणा दिल्ली वाला को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो बंगाल वाला असम त्रिपुरा का स्टेट में जो है उसका थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको पक्का बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर दोस्तों एक बार में निकलने के लिए थोड़ा टाइम आप लोगों का हाथ में आ जाएगा तो बढ़िया है। मुझे मालूम है आप लोग 3 साल से उम्मीद करके बैठे हो, तब भी बोल रहा हूँ आए और वो चीज़ हाथ से नहीं जाना पड़े, ऐसे होना चाहिए दोस्तों। और आपका दूसरा कोई भी क्वेश्चन प्लीज इसके ऊपर मत क्वेश्चन करो, ठीक है? दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर जरूर आप कमेंट में डाल सकते हो, और मेरा फोन नंबर भी है, फोन कर सकते हो, पर इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी हम आंसर नहीं देंगे दोस्तों। और आपका जो नया मेहमान है उसके पास एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत छोटा है, आप लोगों को सपोर्ट का जरूरत है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल वाला आइकन है वो घंटे को बजा दो यार। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो दे दीजिए, क्योंकि इतना दिन बाद आपको एक भी तो आंसर मिला है, और उम्मीद है जो एसएससी ऑफिस के सामने जो धरना चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट मान लीजिए, और वो प्रोटेस्ट एकदम सही है, मैं भी उसका पूरा ये करता हूँ, पर वो प्रोटेस्ट से बहुत अच्छा आप लोगों का फायदा हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी इतना दिन डिले कर रहे हैं, एक करप्शन भर रहे हैं, एक करप्शन भी मुक्त हो जाएगा, डिले नहीं करेगा तो बहुत बंदा को हर साल बहुत बंदा को सर्विस मिल सकता है, उसका घर भी बच सकते हैं दोस्तों। और आज आप लोगों को मालूम है आज नेशनल वुमेन डे है, तो विश्व नारी दिवस आज है, और आज दिन में देख के बहुत बहुत शर्म आया, जो रोड पे हमारा बहन लोग उधर बैठा है काला फिट्टी बात के मुंह में काला फीता लेके, दोस्तों ये बहुत बहुत अच्छा नहीं लगा। हम लोग इंडिया का एक अच्छा सोल्जर था और फिर भी आएंगे आप लोग भी आगे दिन, इंडिया का बहुत अच्छे एक सोल्जर होगे, इसलिए आप लोग जरूर मेहनत करो, पर करप्शन नहीं चाहिए हमारा देश में, करप्शन जो करता है उसको एकदम रहना ही नहीं चाहिए, उसको पूरा करप्शन मुक्त हम लोग देश चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जिसका जो अधिकार है वो सही, वो अधिकार को उसको वो चीज मिले दोस्तों। और अपना दूसरा वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? आपका डेट मिल गया, दो डेट में बताया, वो डेट ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से मिला था मेरा दो डेट, एक है अप्रैल महीना 12 तारीख के अंदर आ सकते हैं, दूसरा है अगस्त महीना में, ज़्यादातर उम्मीद है मुझे अप्रैल महीना में आ जाएगा तो आप लोगों का बढ़िया होगा दोस्तों। और किताब के बारे में आप लोग पूछा था, किताब के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है उसके ऊपर, और वो कम्प्लीट हो जाएगा तो पक्का आपको किताब के बारे में, कौन सा किताब में आपको अच्छा होगा उसके बारे में बताएंगे। और आप लोग ध्यान से एक चीज है, जिसके हाथ में अभी भी टैटू है उसके पास एक रिक्वेस्ट है, टैटू को अभी निकल दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी टैटू निकल दीजिए, और टैटू निकलने के बाद उधर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वो टैटू मिटाने के लिए, इसलिए अभी आप लोग जाओ नजदीक कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, जाके आप जो स्किन डिपार्टमेंट है उधर जाके लेजर सर्जरी होता है क्या पूछ लो, और वो लेजर सर्जरी होगा तो पक्का वो टैटू अब निकल लीजिए, ये आपका दिक्कत आने वाला है, जिसका जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, इससे कोई भी एक हिस्सा से आपका एसएससी जीटी हाथ से छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए आप
ऐसे ही तैयारी करो और हम आपके साथ रहेंगे। है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।